Hey guys, I'm Rati and you are studying nursing with me. Guys, आज का जो टॉपिक है वो मैटरनिटी नर्सिंग से रिलेटेड है, लोकिया। इसे आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। लोकिया को अगर हम डिफाइन करें तो पर्प्यूरियम पीरियड के फर्स्ट 15 डेज होते हैं गाय, उसमें ये डिस्चार्ज होता है, जिसे लोकिया कहा जाता है। देन बात आती है इसके ऑर्डर एंड रिएक्शन की। इसका जो स्मेल है वो बहुत ही पिक्यूलियर और ऑफेंसिव फिशी स्मेल है, यानी बहुत तीखी स्मेल होती है। और जो रिएक्शन है वो फर्स्ट एल्कलाइन होता है गाइस, देन धीरे धीरे इसका जो टेंडेंसी है वो एसिडिक होता चला जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पर। स्मेल के बाद है कलर। कलर के अकॉर्डिंग इसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है गाइस। सबसे पहले बात होती है लोकिया रुब्रा, देन इसके बाद आता है लोकिया सिरोसा, और सबसे लास्ट में है लोकिया अल्बा। पहले आता है लोकिया रुब्रा, वो ब्राइट रेड कलर में होता है गाइस, और 1-4 डेज तक इसका फ्लो होता है। देन इसके बाद है लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा में जो ब्लड कंटेंट है वो कम हो जाता है गाइस, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, और जो मेन कलर है इसका वो येलोइश होगा या फिर लाइट पिंक और पेल ब्राउन कलर होता है। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 5-9 डेज का ड्यूरेशन होता है। और सबसे लास्ट में है लोकिया अल्बा। लोकिया अल्बा में जो ब्लड का कंटेंट है वो बिल्कुल ही नील हो जाता है, इसलिए इसका जो कलर है वो पेल वाइट होगा, और जो इसका ड्यूरेशन है 10-15 डेज का। लोकिया के कलर्स की सीरीज को याद करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा टिप है आप लोगों के लिए गाइस, कि लोकिया रुब्रा सबसे पहले है, देन इसके बाद है लोकिया सिरोसा, और सबसे लास्ट में है अल्बा। तो इसे हम इजी वे में याद रख सकते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अगर हम देखें तो आर जो अल्फाबेट है वो एस से पहले आएगा, तो यहाँ भी वो पहले ही आ रहा है गाइस। देन इसके बाद लोकिया सिरोसा है, और सबसे लास्ट में है लोकिया अल्बा। यहाँ पे ए जो अल्फाबेट है वो सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, लेकिन यहाँ पे जो अपोजिट है वो सबसे लास्ट में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इन तीनों की सीरीज को याद रख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको इस तरीके से। जहाँ तक बात आती है इसके अमाउंट की, तो एवरेज जो अमाउंट है डिस्चार्ज का फॉर द फर्स्ट 5-6 डेज वो कैलकुलेट किया जाता है 250 ml अमाउंट होता है गाइस। लोकिया रुब्रा का जो कंपोजिशन है गाइस, उसमें जो मेन कंटेंट है वो है ब्लड, देन उसके बाद है फीटल मेम्ब्रेन्स का कुछ पार्ट एंड डेसिडुआ वर्निक्स कैसियोसा लैनिगो एंड मैक्मोनियम। इसके बाद है लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा में जो RBCs है वो लेस हो जाएंगी गाइस, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वजह से इसका कलर येलोइश हो जाता है, बट इसमें आपको ल्यूकोसाइट्स देखने को मिलेंगे, और या फिर म्यूकस का जो पार्ट है सर्विक्स से जो म्यूकस रिलीज होता है गाइस वो आपको देखने को मिलेगा, और कुछ माइक्रोब्स यहाँ पर एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई की बात आ रही गाइस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एनारोबिक माइक्रोब्स हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। तो स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई, दो एनारोबिक माइक्रोब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए गाइस, कि ये लोकिया सिरोसा के मेन माइक्रोब्स हैं। एंड लास्ट में है लोकिया अल्बा। लोकिया अल्बा की कंपोजिशन में है गाइस डेसिडुअल सेल और ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, फैटी एंड ग्रैनुलर एपिथेलियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो लोकिया के कंपोजिशन से अगर कोई क्वेश्चन फॉर्म होता है गाइस, तो वो माइक्रोब से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई, तो आप इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट मूव ऑन टू इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकिया। लोकिया का नर्सिंग में क्या इम्पॉर्टेंस है, या फिर इसका क्या क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है? वेल गाइस, जब भी लोकिया के क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस की बात आती है, तो लोकिया का कैरेक्टर देखकर ही हम कुछ इंफॉर्मेशन
गेन कर सकते हैं, तो परप्यूरियल पीरियड है वो अबनॉर्मल स्टेट में है या फिर इसमें और कोई प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं को यहाँ डिस्कस करते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, रिसेंटली दिल्ली एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है गाइस। जो लोकिया रुद्रा होता है रेड कलर का, उसका ड्यूरेशन अगर 1 to 4 days से ज़्यादा एक्सटेंड करता है तो वो क्या इंडिकेट करता है, ये क्वेश्चन रिसेंटली दिल्ली एम्स में पूछा गया है। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में हम ये देखा है कि इसका ऑर्डर अगर ऑफेंसिव है, जो नॉर्मल ऑर्डर है उससे ज़्यादा ऑफेंसिव है, तो ये इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को, या फिर कोई कॉटन पीस स्किन साइड में रह गया है वजाइना के, इस वजह से ये जो ऑर्डर है वो ऑफेंसिव है, बहुत ही तीखी स्मेल है ये। देन इसके बाद हम देखेंगे अमाउंट के बेसिस पर हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर अमाउंट स्कैंटी है मींस बहुत कम है, जो नॉर्मल अमाउंट फ्लो होता है वो नहीं है या फिर एब्सेंट है ये अमाउंट, ये इंडिकेट करता है लोकिया मैट्रा को या फिर इसे इन्फेक्शन भी हम कह सकते हैं। और ये अमाउंट अगर एक्सेस में है तो ये इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को। दोनों ही कंडीशन में इन्फेक्शन कॉमन है गाइस, तो ये अमाउंट ना तो एक्सेस में होना चाहिए ना ही ये लेस अमाउंट होना चाहिए। कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं गाइस, अगर रेड कलर अपने नॉर्मल ड्यूरेशन से ज़्यादा दिनों तक एक्सटेंड करता है तो वो सिग्निफाई करता है या इंडिकेट करता है सब इन्वॉल्यूशन को। सब इन्वॉल्यूशन का मींस आप लोगों को पता है कि जो यूट्रस है वो आफ्टर प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं लौट पाता गाइस, इसे सब इन्वॉल्यूशन कहा जाता है। और सबसे लास्ट में है लोकिया अल्मा, इसका ड्यूरेशन भी अगर 3 weeks से ज़्यादा हो जाता है गाय तो ये सजेस्ट करता है लोकल जेनाइटल लीजन्स को। तो ये इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस पॉइंट है गाइस, आप इन्हें रिव्यू ज़रूर कीजिए, एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन फॉर्म होगा गाइस। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय।